नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, ये जो पौधा होता है यह धरती में अमृत के समान माने जाने वाला पौधा होता है और यह बारिश के समय ही आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति का एक अनूठा आप इस पौधे को बोल सकते हैं। इस पौधे में दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे, पत्ती जो होती पत्ती के नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, तो छोटे छोटे आपको आंवले जैसे नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनको आप खा करके भी देखेंगे तो आपको आंवले का टेस्ट ही मिलने वाला है। और ये जो आंवला है ना, इसको दोस्तों भूमि आंवला बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जमीन पे आच्छादित होता है। यह जो होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता इसका। मुश्किल से 2 से 2.5 फीट तक का पौधा होता है और इसके बाद ये पौधा जो होता है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस पौधे की खास बात मैं आपको बतला देता हूँ। काफ़ी सारे जादूगर आपने देखे होंगे कि मुंह में वो ब्लेड पत्ती ले लेते हैं और ब्लेड पत्ती अपने पूर्व मुंह में घुमा लेते हैं, उसके बाद भी उन पर कहीं पे भी कट नहीं लगता। ये वही चमत्कारी औषधि है जिसको भूई आंवला बोलते हैं। इसके कुछ पत्तों को अगर आप अपने मुँह पे अच्छी तरीके से चबा लें और चबाने के बाद पीक कर दें, और इसके बाद अगर ब्लेड पत्ती भी अगर आप अपने मुंह में रख लेते तो यकीन मानिए ब्लेड पत्ती आपको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। पर यह आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक प्रैक्टिकली तौर पर आपको बतलाया है। यह जो औषधि है भुई आंवला, दोस्तों जिन लोगों का लीवर जो है ना पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, यानी कि उनका लीवर खराब हो गया है, डायलिसिस करवाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो दोस्तों ये पौधे को पहचान लीजिए। यह पौधा आपके इतने काम आने वाला है, इतने काम आने वाला है, लीवर, स्किन यानी कि चर्म रोग, आँखों पे झाइयाँ या फिर आँखों से कम दिखना, पेट का सही तरीके से डाइजेशन सिस्टम का काम नहीं करना, यानी कि आपको बार 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 फ्रेश होता है। और दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि जब हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होगा तो क्या होता है कि खाना जो होता हमारे पेट में जो चला जाता है फ्रेश नहीं होने वजह से, वो खाना हमारे पेट के अंदर सड़ने लग जाता है। और जब वो खाना सड़ता है ना, तो वो हमें गंभीर से गंभीर बीमारियां दे जाता है। यानी कि गंभीर से गंभीर, आप समझ रहे हैं ना कि आप सिर्फ इलाज करते रहेंगे आप ठीक होने वाले नहीं हैं। ये भुई आंवला पहचान लीजिए। यह भुई आंवला आपको इतनी ताकत देगा, इतनी मजबूती प्रदान करेगा और इतने आपके स्वास्थ्य लाभ देने वाला है कि आप सोचेंगे कि वास्तव में ये पौधा मुझे कहाँ मिलने वाला। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस पौधे की पहचान करवा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसको भूमि आंवला या भूई आंवला के नाम से जाना जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल आंवले के पत्ते की तरह इसके पत्ते होते हैं। आंवले का पेड़ बड़ा होने की वजह से उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। ये छोटा पौधा होने की वजह से इसकी पत्तियाँ भी छोटी होती हैं। आंवले में जो होता है, आंवले में भी आपने देखा होगा कि जो पत्ती निकलती है उस पत्ती के डंठल पे ही आंवले लगते हैं, पर उससे थोड़ा सा विपरीत है। ये जो भुई आंवला होती है यह पत्तियों के नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं परत पे, वहाँ पर इसके आंवले छोटे छोटे से हरे हरे से फल निकलते हैं। और ये फल जो होते हैं, ये जो बड़ा आंवला होता है ना, उससे भी लाख गुना फायदा इस आंवले में होता है। यकीन मानिए, अगर 2 महीने अगस्त और सितंबर माह के समय में यह पौधा आपको बहुत ही मात्रा में देखने को मिलने वाला है। सड़क किनारे आपको आसानी से यह पौधा देखने को मिल जाएगा। जिस जगह पर पानी का स्टोरेज होता है या जो खाली पड़ी ज़मीन है उस जगह पर आसानी से पौधा उग जाता है। कोई इसको ट्रांसप्लांट नहीं करता, यानी कि कोई इसका प्लांटेशन नहीं करता, ये स्वतः ही प्रकृति से उगने वाला होता है। इसको भूमि आंवला बोलते हैं, ज़मीन से सटा हुआ होता है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब जान लेते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया, डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है, वो लोग अगर सुबह के समय में इसकी एक डंठल, यहाँ इतना बड़ा होता है, एक डंठल को तोड़े, खाली पेट उसको चबाए और खाली पेट चबाने के बाद उसको अच्छी तरीके से अंदर ले लें। अंदर लेने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद एक हल्का गुनगुना पानी आपको पी लेना। 1 सप्ताह के अंदर जो होगा दोस्तों, आपका लीवर जो होगा वो डिटॉक्स हो जाएगा। यानी कि लीवर में अगर किसी प्रकार की कोई खामियां हैं या फिर लीवर में सूजन है या फिर लीवर को डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कुछ मत कीजिए, आप 1 महीने तक इसका सेवन कीजिए। 15 दिन आपको अगस्त में सेवन करना है और 15 दिन सितंबर में सेवन करना है। 15 दिन शुरू के जो 15 दिन होंगे, सप्ताह के 15 दिन पहले होंगे, उसमें आपको करना है, और जो सितंबर होगा, सितंबर के आखिरी 15 दिन में सेवन करना है आपको। यानी कि
कुल मिलाकर के 1 महीने का अंतराल देने के बाद फिर आपको सेवन करना। यकीन मानिए दोस्तों, वो 1 महीने का जो कोर्स है ना, 1 महीने का कोर्स करने के बाद आपका लीवर जो होगा बहुत अच्छी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगा, आपका लीवर जो होगा बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा, आपके लीवर को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। बस ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हमारा लीवर मजबूत होगा तो खाना भी हमको भूख भी अच्छी लगेगी, और भूख अच्छी लगेगी तो न्यूट्रिएंट्स हम जो हम खाते हैं वो सारे हमको मिलने लगेंगे। पेट साफ नहीं होने वजह से दोस्तों हम लोग भोजन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाते। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और ऐसे ऐसे फाइब्रो, बहुत ही ऐसे ऐसे इसमें रसायन पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जिसका उपयोग करने से आप पूरी तरीके से आपका शरीर जो होगा तंदुरुस्त हो जाता है। दूसरा और मैं आपको बतला देता हूँ दोस्तों, जिन लोगों को गुर्दे की पथरी हो जाती है और उनकी गुर्दे की पथरी जो होती है 3 mm, 2.5 mm या 3 mm से बड़ी हो जाती है, जिसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों जिन लोगों को भी पथरी हुई हो और जिन लोगों ने भी ऑपरेशन कराया हो, अगर दोबारा उनको ना हो इसकी क्या गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जिस जगह पर हमारी पथरी बनती है उस जगह पर एक गैप बन जाता है, जिसमें फिर 5 से 6 साल बाद फिर पथरी जो होती है वहाँ पर बनने लग जाती है, फिर आपको दोबारा ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा मत कीजिए, इसको ले लीजिए, भुई आंवला का सेवन कीजिए, सुबह खाली पेट सेवन कीजिए, यह आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेगी, साथ में जो गुर्दे में जो पथरी हो गई है उस पथरी को भी ठीक करने का, उस पथरी को भी तोड़ तोड़ कर बाहर निकालने का कार्य करती है औषधि। यानी कि 1 महीने का कोर्स आप करेंगे, आपका शरीर जो होगा पूरी तरीके से तंदुरुस्त और एकदम शानदार हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हो। और जिन लोगों की आंखें से कम दिखाई देता है, जिन लोगों के आंखों में दोस्तों आपने देखा होगा कि काम करते तो काम करते समय उनकी आंखों की एक साइड की जो नस होती है वो हल्की हल्की सी लाल हो जाती है और उसके बाद उनका सिर दर्द जो होता है वो बहुत तेज़ी से करने लग जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसकी पत्तियों को अच्छी तरीके से चटनी बना लेना है। अच्छी तरीके से चटनी बना करके आँखों को आपको बंद करना, और बंद करने के बाद वो जो चटनी है आपको आँखों में इस प्रकार से कुछ लगा करके कुछ देर के लिए, और एक पट्टी जो होती सूती कपड़े की पट्टी बांध करके आपको कुछ समय के लिए रखना। यकीन मानिए इससे सिर दर्द तो कम हो गई होगा, साथ में यह आपकी आँखों की ज्योति को बढ़ाने का कार्य भी करता है, यह आपकी आँखों की ज्योति को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसके जो है आँखों से भी लाभ ले सकते हैं, आँखों में भी उपयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। और जिन लोगों को स्किन रिलेटेड समस्या, यानी कि दांत, खाद, खुजली, इवन कुष्ठ रोग तक की बात कर रहा हूँ मैं, कुष्ठ रोग भी अगर हो गया है दोस्तों तो उनके लिए भी यह औषधि काफ़ी फायदेमंद होती है। जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो गया है वो लोग इसके पत्तों को अच्छी तरीके से पीस करके उसकी चटनी बना करके उसमें कच्ची हल्दी, यहाँ मैं कच्ची हल्दी बात कर रहा हूँ, वो गांठ वाली कच्ची हल्दी की बात कर रहा हूँ जो कि पौधे से उखाड़नी पड़ती है, उस कच्ची हल्दी और इसको दो अच्छी तरीके से पीस करके चटनी बना करके दांत, खाद, खुजली, इवन अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं ना, पिंपल्स हैं, तो वहाँ भी अगर आप लगाते हैं तो उन पिंपल्स को भी ठीक करने का कार्य है औषधि करती है। तो दोस्तों इसकी पहचान कर लीजिए, लीवर के लिए तो ये रामबाण औषधि है। जिन लोगों ने भी इसका उपयोग किया है, जिन लोगों के लीवर की खराबी थी, डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ती थी हर 6 महीने में, तो उनको डायलिसिस कराने की आवश्यकता नहीं पड़ रही इस औषधि के इस्तेमाल करने से। आप इसको सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं पेट साफ करने के लिए। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता वो इस पौधों को इस समय उखाड़ लेवे और उसको अच्छी तरीके से धूप छाँव में सुखा लेवे। सुखाने के बाद जब सूख जाए अच्छी तरीके से, उसका पाउडर बना करके रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में, इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन मिला सकते हैं, काला नमक मिला सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सौंफ मिला सकते हैं, और सब चीज़ मिला करके इसका पाउडर बना करके आप सुबह के समय में खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद, मैटर नहीं रखता कि इसको खाली पेट ही आप सेवन करें, खाना खाने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं हल्के गुनगुने पानी में, तो ये आपके पेट को साफ रखेगी और पेट जब साफ होगा तो हमसे बीमारियां जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि भूमि आंवला जो है, ये भूई आंवला जो है, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे या फिर कुछ घरेलू उपचार के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।